छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के संयुक्त महासंघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के तहत सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों ने सामूहिक प्रदर्शन करते हुए कामकाज बंद कर दिया है। इसके चलते नगर पालिकाओं और नगरीय निकायों की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर पड़ा है। सफाई कर्मचारी काम पर न आने से सड़कों और मोहल्लों में कचरा इकट्ठा हो गया है। वहीं पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अन्य प्रशासनिक कार्य भी ठप पड़े हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो गई है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो प्लेसमेंट कर्मचारी अपने सभी नगरीय निकायों में है, हड़ताल पे है, इसकी जानकारी हम लोग संगठन के माध्यम से भी और सरकार तक ये बात पहुँच चुकी है। माननीय प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी इस विषय पे और हमारे नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साहू जी भी इस विषय पे विचार चल रहा है। अब बहुत जल्द इनकी जो प्रदेश स्तर की कमेटी है, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने नगरीय निकाय मंत्री जी से चर्चा हुई है। निश्चित है बहुत जल्द उस पर निर्णय होगा और इनके हित में अच्छा निर्णय होगा। मैं तो चाहूँगा कि सभी प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाए हैं तो निश्चित उसका उनको फल मिलने वाला है। आप सबसे आग्रह भी करूँगा कि आप सब संयम बरतें और अपने काम को लौटें।